धनबाद स्टेशन के दक्षिणी छोर के अप्रोच रोड किनारे फुटपाथ पर सब्जी की दुकान लगाने वाले सब्जी विक्रेताओं को रेलवे द्वारा हटाए जाने के बाद से सभी विक्रेताओं के समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। इन विक्रेताओं ने रागनी सिंह से इस मामले में पहल कर न्याय दिलाने का आग्रह किया। रागनी सिंह फुटपाथ दुकानदारों की समस्या लेकर DRM से मिली एवं वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सब्जी विक्रेताओं को बसाने का आग्रह किया। रागनी सिंह ने बताया कि DRM के साथ सकारात्मक वार्ता हुई है। आज की इस वार्ता के दौरान सभी फुटपाथ दुकानदार भी DRM कार्यालय पहुंचे थे। ऐसे आईडी रखा जाता है क्या? आज लोगों की समस्याओं को लेकर आप DRM मुलाकात करने आई हैं, क्या कुछ वार्ता किया आपने? ये पुराना बाजार के सब्जी विक्रेता हैं और मुझे लगता है कल 200 की संख्या में लोग आए थे, अपना दुख पीड़ा बताया और इनका कहना है कि रोड के किनारे लोग जो सब्जी बेचते हैं तो प्रशासन द्वारा रोज उनके पास टॉर्चर होता है, सब्जी को फेंक देना, उलाट देना, ठेला उलाट देना, तो एक तो क्षति हो ही रहा है और इनसे फाइन भी लिया जा रहा है। इन लोग कहना है कि भाई पालन पोषण करने के लिए कहीं भी तो जगह मिलना चाहिए, जिसको लेकर हम लोग एक अपना प्रस्ताव रखे हैं सर के पास और उन्होंने भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और बोले कि बहुत जल्द इस पे हम विचार करते हैं। विकल्प भी लोग दे रहे हैं, स्थल बता रहे हैं। हाँ, ये बताए एक चिन्हित जगह करके कहीं कचरा वहाँ चलाता है। हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि कम से कम हम लोग को मिल जाए वो भी जगह तो अपने से सफाई करके हम लोग वहाँ सब्जी पालन पोषण का हम लोग बिक्री करेंगे। इस चीज पे वो बहुत सहमति जताए हैं सर और बोले भी हैं कि बहुत जल्द इस पे हम लोग विचार करके अनुमति देंगे। रेलवे का कहना है कि जमीन उनकी है और क्योंकि अभी वहाँ पर दक्षिणी छोर में काम स्टार्ट हो रहे हैं तो आवागमन बाधित न हो इसीलिए हटाया। नहीं नहीं ठीक है, रेलवे का जमीन वो हम भी मानते हैं और ऐसा नहीं है कि रेलवे का जब भी सौंदर्यीकरण जब भी अभी धनबाद में स्टेशन पे हो रहा है तो सभी लोग हटे, उनका भी हम लोग मांग किए हैं कि भाई उनको भी जितने भी वहाँ फल मंडी है उनको अस्थाई रूप दिया जाए क्योंकि वो भी काफी दिनों से वो लोग परेशान हैं, तो उनके लिए भी हम लोग मांग किए हैं उनको भी अस्थाई जगह दिया जाए ताकि वो लोग भी पालन पोषण करें। और इन लोगों का भी कहना है कि जब भी अगर रेलवे की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग छोड़ देंगे और वो जमीन खाली है, एक्स्ट्रा है, तो ये लोग का मांग है कि भाई वहाँ फिलहाल के लिए हम लोग साफ सफाई कर कर अपना सब्जी बेचेंगे और अपना घर परिवार चलाएंगे। कब तक इन लोगों का जो समस्या है उसका समाधान होने को? देखिए वो बोले हैं कि इस पर हम विचार करते हैं, बहुत जल्द पहल करके आपको सूचना दी जाए। हम सर हम लोग सब्जी लगाते थे नए रोड में, वहाँ पर धर पकड़ होने लगा, वहाँ पर फाइन भी मांगने लगे। हम लोग के 4-5 बाल बच्चा है, भाड़ा रूम पर रहते हैं सर, हम लोग का कोई तो अथी नहीं ना कि चलाएंगे, बच्चा लोग को पढ़ाई है लिखाई है सब कुछ तो करना है, उसी लिए हम लोग को चलता है। एक वो तो घर नहीं चल रहा सर, तब परिवार का सबको चलाना है। हम लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर, नो रोड पर नहीं दीजिएगा, हम लोग उधर जगह खाली है। तो रेलवे का जमीन है, रेलवे की जमीन में ठीक है सर, हम मान रहे हैं कि रेलवे का जमीन, हम नहीं बोल रहे हैं कि नहीं मेरा जमीन है कि रेलवे का जमीन, हम रेलवे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रेलवे वाले से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि सर हम लोग को पेट पालने के लिए, बाल बच्चा जिलाने के लिए हम लोग को रास्ता दीजिए, बस और कुछ नहीं मांग रहे सर। 6 परिवार अगर एक टाइम नहीं खाएगा सर तो भूखा कदिन भूखा रखिएगा बतलाइए, हाँ इतना मासूम मासूम बच्चा है कदिन हम उस लोग को भूखा रखेंगे, आप बतलाइए सर। नौकरी तो नहीं ना कि भाई उस पर चला देंगे सर। क्या बोल रहे हैं यहाँ के अधिकारी, क्या बोल रहे हैं? यहाँ का जब हम लोग लगा रहे हैं उठा कर पकड़ कर ले जा फेंक रहे हैं मारने दौड़ा रहे। कितने लोग हैं टोटल आप लोग? हम लोग कम से कम 200 आदमी का चूल्हा चलता है सर, मेरा छोटा छोटा बाल बच्चा, मेरा अपना घर द्वार नहीं है सर, वहाँ पर घर था वो भी सब चला गया सर, मेरा भाड़ा पर घर है, भाड़ा कहाँ से देंगे सर, बोले बात बोली अगर नहीं चल। मेरा नाम मीरा देवी है सर, सरकार से निवेदन कर लगे हम लोग को वहाँ पर जगह खाली है, हम लोग को लगाने का प्रतिष्ठा जा दिया जाए और हम आप कुछ नहीं मांग रहे सर, हम नहीं बोला कि नहीं हमको घर दीजिए, कुछ